प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। पैशन वीक का ये तीसरा दिन है जो बुधवार है, और आज के दिन प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम से बैतनिया आए थे, और जहाँ पे कि उन्होंने विश्राम किया, और जितने दिन वो बैतनिया में रहे, जो जो उन्होंने वहाँ काम किए, आज उसी पे हम गौर करेंगे, जिसका टाइटल दिया गया है यीशु मसीह का विश्राम करना बैतनिया में। इंग्लिश में इसे कहते हैं जीसस रेस्टिंग इन बैतनिया। और आज हम इसी पर गौर करेंगे कि वो कौन कौन सी बातें यीशु मसीह ने वहाँ कही, और उस दौरान हमें क्या क्या सीखने को मिला, इस पर हम गौर करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे चलें वचन पे देखें, हम सबसे पहले इस बात पर जानेंगे कि बैतनिया कहाँ है और इसकी क्या खासियत है। बैतनिया जो है यरूशलेम से 2 मील की दूरी पे है, और ये प्रभु के वचन के अनुसार यूहन्ना 11 उसके 18 में पाया जाता है। इसके अलावा बैतनिया जहाँ पे मरियम और मार्था रहती थी, यूहन्ना 11:1 के अनुसार उनका भाई एक लाजर था, वो भी था, और इसलिए बैतनिया की काफ़ी चर्चा हुई इस कारण, क्योंकि ये परिवार वहाँ पे था, और जो कुछ इनके संग हुआ उस पर हम बाद में बात करेंगे। बैतनिया का मीनिंग होता है अंजीर का घर, और यहाँ पर यीशु मसीह आए थे। इस प्रकार जो है बैतनिया का बड़ा महत्व है, और जितने दिन यीशु मसीह यहाँ रहे, यीशु मसीह के कई कार्य यहाँ पे देखने को मिले, और आज हम उसी पे चर्चा करेंगे, और उससे हम सीखेंगे कि प्रभु जितने दिन यहाँ रहा। तो आइए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कौन कौन से काम किए बैतनिया में, और उसके लिए हम देखते हैं यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 43 आयत से 44 आयत। यूहन्ना 11 उसका 43 और 44, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ, जो मर गया था वे दफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। यहाँ पर यीशु मसीह ने दिखाया कि वो सामर्थ्य परमेश्वर है, और उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं जो असंभव है। परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है, जो भी उस पर विश्वास करता है, जैसा वो चाहता है परमेश्वर वैसा करता है। तो किसके अगर ऊपर हम देखें यूहन्ना की पुस्तक इसके 11:40 में, तो वहाँ इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तो यहाँ पर इस बात का सबूत है कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की सामर्थ्य को देखेंगे, और जहाँ जहाँ पे लोगों ने प्रभु पर विश्वास किया, प्रभु ने अपनी सामर्थ्य को प्रकट किया। और इस प्रकार प्रभु ने यहाँ पर ये दिखाया कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, और प्रभु ने इसी बात को यहाँ दिखाया कि जब वो लाजर की कब्र पे गया तो उसने किस प्रकार से परमेश्वर की सामर्थ्य को वहाँ दिखाया, और वो लाजर जो मर गया था उसको पुकारा, एक डेड बॉडी को पुकारा, उससे कहा लाजर निकल आ, एक कमांड दी, कमांड, एक डेड बॉडी को कमांड कि निकल आ, और जो लाजर मर गया था वो उस कब्र में से बाहर निकल के आ गया। ये सामर्थ्य है प्रभु की, और हमारा प्रभु सामर्थी है, और उसकी सामर्थ्य को हम जब देखते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु अपनी सामर्थ्य को हमें दिखाता है जब हम विश्वास करते हैं। प्रभु हमारा सामर्थ्य है, उसके लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं जो असंभव है, वो हर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो जैसा परमेश्वर करता है हम भी वैसा करेंगे। उसने करके दिखाया
और इसलिए करके दिखाया कि हम उस पर विश्वास करें, जैसा वो करता है हम भी वैसा करें और इस बात को हम अपनी लाइफ में देखें। और जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर काम करेगा और फिर उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए ये गवाही बनेगी। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम किसी भी हालात में क्यों ना हो परमेश्वर पर विश्वास रखें, उसमें बने रहें, उसकी संगति बने रहें, उसके वचन को पढ़ें और उसके संग चलें। तो जैसा प्रभु ने किया वैसा हम भी कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है प्रभु के संग चलने की, ज़रूरत है वचन को पढ़ने की, ज़रूरत है प्रभु को विश्वास करने की, ज़रूरत है कि जैसा उसने हमें सिखाया हम वैसा करें। उसने कमांड दी है, उसने हुक्म दिया डेड बॉडी को कि निकला बाहर, और लाजर निकल के बाहर आ गया। तो जैसा उसने किया है वैसा ही वो हमसे चाहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि जब वो बैतनिया में था, विश्राम के लिए था वहाँ पे, वो उसने ये बड़ा काम किया और उसने हमें सिखाया कि हम किसी भी हालात में क्यों ना हो प्रभु में बने रहें। प्रभु जब भी कभी हमें ऐसा समय देता है विश्राम करने का, आराम करने का, तो उस समय भी प्रभु हमें सिखाता है। हम प्रभु के संग चल रहे हैं तो हम बहुत सारी बातों को जो हम नहीं समझते हैं हम समझ पाएंगे। ये जब ही संभव होता है जब हम प्रभु में बने हुए हैं, प्रभु के संग चल रहे हैं, उसके भेदों को, उसकी बातों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जैसा प्रभु हमें सिखाता है वैसा हम कर सकेंगे। और ये काम प्रभु ने बैतनिय्याह में करके दिखाया कि एक लाजर जो मर गया था, जहाँ पे उसकी बहन ये कहती है कि वो उसमें बदबू आ रही है, लेकिन प्रभु ने एक कमांड दी और लाजर बाहर आ गया। प्रभु का ये काम देखकर बहुत सारे लोगों ने वहाँ विश्वास किया होगा। प्रभु के लिए कोई चीज़ ऐसी नहीं जो असंभव है। हमारा प्रभु ऐसी काम करता है और वो हमसे भी यही चाहता है कि हम उसमें विश्वास करें और उसके लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करें। इस समय जबकि हम एक कठिन दौर से निकल रहे हैं और हमारे पास इस समय जबकि कोरोना का जो है चारों तरफ एक डर फैला हुआ है बीमारी का, और कई ऑफिस बंद हैं, लोग घरों में बंद हैं, तो ये एक समय मिला है जो हमें विश्राम करने का, आराम करने का, और इस दौरान हम बहुत कुछ प्रभु से सीख सकते हैं कि कैसे हम प्रभु की नज़दीकी में रह के इन विपत्तियों से बच सकते हैं। प्रभु ने हमें ये समय दिया कि हम उसकी नज़दीकी में रहें, उससे बातचीत करें, उसको सुने, उसको समझें, उससे सीखें, और अपनी परेशानियों में जो वो सिखाता है उसको हम इस्तेमाल करें। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि प्रभु कई सारी विपत्तियों को, परेशानियों को अलाउ कर देता है, आने देता है। प्रभु इनके द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम उससे सीखें कि कैसे हम इन विपत्तियों के ऊपर आ सकें, इनको डिफीट दे सकें। जैसा कि यहोन्ना उसका 11 उसके 4 में लिखा है, इसमें लिखा है, ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में जो परेशानियाँ आती हैं, अब वो इसलिए आती है कि हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, हम उसके आश्चर्य कर्मों को अपनी लाइफ में देखें। कई बार मेरी लाइफ में ऐसी परेशानी आई, मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उस समय जब हम परेशान होते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, लेकिन बाद में इस बात का एहसास हुआ मुझे कि ये सब चीज़ें प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति के लिए हमारी लाइफ में आती हैं। जब हम उससे निकल जाते हैं तब हम इस बात को सीखते हैं, और प्रभु भी ऐसी ही परेशानियों को कई बार ही हमारी लाइफ में आने देता है, और जब हम इनसे निकल जाते हैं तब हम प्रभु की महिमा करते हैं, उसके लिए गवाह बनते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। इन चीज़ों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है कि हम हर परिस्थिति में अगर उसके संग हैं तो हम इन तमाम प्रकार की परेशानियों से पार हो जाएंगे।
इसके बाद मैं क्वेश्चन और पढ़ता हूँ, यूहन्ना 12 उसका 1-8 तक। यीशु फसे से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहाँ लाजर था जिसे यीशु ने मरो में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आधा शेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोति नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। यहाँ पे प्रभु ने ये दिखाया है कि जो बड़ी कीमती चीज़, जो बहुत ही कीमती चीज़ थी, जो मरियम ने जो उसके इत्र डाला पैरों पर, वो इतना कीमती था कि सबसे कीमती था। और प्रभु यही चाहता है कि जो हमारा सबसे कीमती चीज़ है वो हम प्रभु को दें, ताकि प्रभु हमको आशीष दे। प्रभु यही चाहता है कि हमारे जीवन में जो सबसे कीमती चीज़ है वो हम प्रभु को दें, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कीमती चीज़ें हम प्रभु को देंगे तो इससे हम कुछ और ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। हम अपनी चीज़ अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमारे लिए सबसे कीमती चीज़ है, हम प्रभु को दें तो प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु यही चाहता है कि हमारी लाइफ में जो बड़ी अहम चीज़ है, जो बड़ी कीमती चीज़ है, अपने हृदय को दें, अपने जीवन में सबसे कीमती चीज़ें हैं वो प्रभु को दें, ताकि प्रभु हमें आशीष दे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है। इसके अलावा एक और जगह हम देखते हैं कि जहाँ पे बहु मूल्य इत्र को यीशु मसीह के सर पे उंडेला गया, मरकुस की पुस्तक उसका 14 अध्याय 3 से मैं पढ़ता हूँ। जब वह बैतनिय्याह में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इसके सिर पर उंडेल दिया, उसके सिर पे उंडेल दिया। यहाँ पे भी ये देखने को आता है कि सबसे कीमती चीज़ लोगों ने प्रभु को दी, और प्रभु भी हमसे यही चाहता है कि हमारे जीवन में जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है, हमारे परिवार में, हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारा सब कुछ जिसको हम बहुत चाहते हैं, वो प्रभु के चरणों में समर्पित करें। और प्रभु हमसे यही चाहता है ताकि हम उसमें बने रहें और प्रभु की आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो प्रभु को दें और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है कि हमारा जीवन एक समर्पित जीवन होना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं लूका 10 उसका 38-42 तक, जहाँ पे यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में हैं और वहाँ पर जो है इस प्रकार हम देखते हैं कि यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर में हैं, जहाँ पे मरियम उसके चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती है। परंतु मार्था जो है उसकी सेवा टहल के लिए घबरा जाती है और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे इस बात की चिंता नहीं कि मेरी बहन मुझे सेवा करने के लिए अकेला छोड़ दिया। मतलब यहाँ पर जो है मरियम प्रभु के पास है और वो प्रभु के वचन को सुन रही है, यानी उसका ध्यान प्रभु की वचनों की ओर है। और जबकि मार्था जो है वो उसकी सेवा के लिए अंदर जाके उसकी सारी चीज़ें सेवा करने के लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर जो यीशु मसीह ने जवाब दिया मार्था को कि वो जो संसारिक बातों में थी उसकी चिंता कर रही थी, और लेकिन उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया यीशु मसीह ने मार्था को कि मरियम ने वो पाया है जो सबसे उत्तम है। सबसे उत्तम भाग जो है मरियम ने पाया,
जो कि उससे छीना ना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मरियम ने जो प्रभु के वचन सुने, जो उससे शिक्षा पाई, वो उसके ज़िंदगी भर काम आएगी। और वही प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम उसके वचनों को पढ़ें, उसके वचनों से सीखें और अपनी जिंदगियों में हम प्रभु की सामर्थ को अनुभव करें। प्रभु इन वचनों से हमें सिखाना चाहता है कि हम उसमें बने रहें। और जो प्रभु हमें समय देता है, वो समय हम प्रभु के संग व्यतीत करें, उसे समझें, उसे जानें और जैसा वो सिखाता है वैसा हम करें, ताकि हम उसके लिए गवाह बने और फिर हम उसकी स्तुति और उसकी बढ़ाई करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।